हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और यहाँ देखिए सुबह के 4:30 बजे हैं और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी है और सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी निकली हुई बहुत सुंदर लग रही है। और मैं चाय बनाकर पोछा ओछा लगा रही हूँ। आज थोड़ी घर की सफाई करूँगी, सब कपड़ा उपड़ा घर रह सबको। तो मैंने यहाँ पोछा लगा लिया है और सुबह सुबह सब काम करना अच्छा भी लगता है और जल्दी उठने से सारा काम जल्दी हो जाता है तो अच्छा लगता है। और जो जितना काम भी जल्दी हो उतना टाइम भी बचता है मेरे पास। तो मैंने यहाँ सभी को साफ रफ कर लिया है और यहाँ बोर्ड पे मकड़ी की जाल थोड़ी थोड़ी हो गई थी तो मैंने भी उसे साफ कर ली। बच्चों ने बहुत मेडल पाए थे, जो अच्छी लग रही थी वो यहीं पर रखी थी मैंने, तो वहाँ भी थोड़ा मकड़ी जाल हो गया था। और मकड़ी की जालें होती है तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं बार बार साफ करती रहती हूँ। और मैं बिस्तर उतर भी साफ करूँगी। और थोड़ा बच्चों लोग इधर उधर होते हैं तो जल्दी जल्दी भी ख़राब हो जाता है, तो मैं महीने दिन 15 दिन में एक बार सभी को साफ करती रहती हूँ। और बच्चे सोते हैं तो थोड़ी गंदी जगह में सुलाने की अच्छी नहीं होती भी, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि थोड़ा सा गंदा हो और वैसे ही रहे, इसलिए मैं बार बार साफ करती रहती हूँ। और मैं जब भी ज़्यादा कपड़ा उपड़ा धोती हूँ तो मैं तालाब ही जाती हूँ, तो तालाब जाऊँगी और सभी कपड़े को धुलाऊंगी। घर में ठीक से धुलता भी नहीं और तालाब में ही अच्छी धुलती है। तो मैं अब कपड़े धोकर आ गई हूँ और मैं, हमारा दूसरा रूम है, स्टूडियो है वहाँ पर, वहाँ की छत में अच्छी धूप होती है तो मैं वहीं कपड़े सुखा लेती हूँ। और मैंने आपको बताया भी नहीं कि हमारा स्टूडियो है और मेरे पति स्टूडियो का काम करते हैं, सभी गाना वाना रिकॉर्ड करते हैं, हर चीज़ बना लेते हैं। तो पहले तो हम घर में ही बनाते थे और अब अलग से एक रूम बना लिए हैं स्टूडियो, तो अब वहीं काम करते हैं। और आज मैं मूली की साग बनाऊंगी, जिसमें मूली की साग है और इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। ये बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये 2-3 प्रकार के बनते हैं जो मैं हर प्रकार की बनाती रहती हूँ, कभी वो वाला कभी ये वाला, तो मैं आपको ये वाला आज बता रही हूँ। फिर कभी अगर बनाऊँगी तो मैं दूसरी वाली भी बताऊँगी। तो इसमें बैंगन डालते हैं और बैंगन को भी छोटे छोटे काट लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से उबाल लूँगी। और ये सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है और इसके साथ कुछ फ्राई वाला हो तो और भी अच्छा लगता है। तो मैं इसके साथ आज आलू फ्राई बनाऊँगी। तो मैं इतने में शायद मेरा टाइम भी नहीं होगा कि मैं आपको वो बता सकूं, तो मैं आज इसी को आपको बताऊँगी। और इसमें हम डालते हैं मूंगफली, मूंगफली थोड़ा पेस्ट बनाकर डालने से अच्छा होता है, स्वाद अच्छा आता है। और इसमें मूंगफली के साथ मैं मिर्ची डाल दूंगी। और आपको तेज़ मिर्ची खाना पसंद हो तो आप मिर्ची ज़्यादा डाल ले, या तो आपको जितनी मिर्ची खानी है उतनी ही डाल सकते हैं। अरे देखिए, मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्ची डाल दिए हैं और 3-4 टमाटर डाल दूँगी। और यहाँ मैंने 3 टमाटर डाल दिए हैं
अब इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। और यहाँ मैंने कढ़ाई गरम कर ली, इसमें तेल थोड़ा डाल दिया। और मैंने बताया था कि ये दो तीन प्रकार से बनते हैं, तो आज मैं ऐसा ही इस प्रकार की बता रही हूँ आपको। तो ये देखिए मेरा तेल गरम हो चुका है और मैं वो पेस्ट बनाई थी उसको डाल दिया। और इसको अच्छे से चला चला कर अच्छे से भून लूँगी। और ये तेल में अच्छे से भून जाता है भी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मूँगफली जब भुना होता है तो अच्छी तरह से भूनने के बाद, और उधर मैंने मूली के साग को उबालना शुरू कर लिया है, तो अच्छी तरह से ये भून भी जाएगा और वो अच्छी तरह से उबल भी जाएगा। तो यहाँ पर मेरा देखिए बहुत अच्छी तरह से भून गया है और ये उबल भी गया है, तो मैं इसे थोड़ा पानी निकाल निकाल कर इसमें डाल दूँगी। इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कितना सुंदर बना है। इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी और ये बहुत अच्छी लगती है। और मैंने बताया था कि दो तीन प्रकार के बनते हैं, मैं अगले दिन अगले दूसरे तरीके से बताऊंगी। और मैंने ढक दिया है। ये देखिए यहाँ पर मेरी मूली के साथ साग बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अब मैं अपने कपड़े सुखाई थी, जो हमारा दूसरा कमरे में, तो मैं उसे लेने जा रही हूँ। मेरा कपड़ा सूख गया होगा, अभी 12:30 बज गए होंगे, तो इतने में तो सूख ही जाएगा। और मैं कपड़े लेने जा रही हूँ। मैं यहाँ कभी कभी साफ करने भी आती हूँ, तो एक दिन मैं पूरा अपना कमरा, अपना घर भी दिखाऊंगी आप सबको। मैंने कपड़े अच्छे से निकाल ली है। और यहाँ ज़्यादा धूप होता है तो ये कपड़ा सूख ही जाता है, तो ज़्यादा जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ तो यहीं पर सुखाने आ जाती हूँ। और मैंने कपड़ा सुखा लिया है हर को, और जो थोड़ा थोड़ा बचा था वो मैं अब घर के ऊपर में छत में सुखा दूंगी। अब मैं यहाँ अपना बिस्तर बिछा रही हूँ, तो पहले तकिए में कवर डालूंगी सारे तकिए को। और मेरे बच्चे लोगों को गोल वाला तकिया पसंद है, तो मैं 2-3 वाला गोल वाला तकिया रखती हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं भी बहुत सारा तकिया बनाया है मैंने, जो सिलाई कर जो भी करते हैं उनके पास तो छोटे छोटे कतरन बहुत होते हैं, तो मैं तकिए भी हमारे घर में सभी तरफ रखी हूँ। और मैंने पूरे तकिए में कवर डाल दिया है। और ये बिस्तर मैंने आज पहली बार बिछाया है, जो खरीद कर लाई थी तो बिछाई नहीं थी। और ये बहुत सुंदर लग रहा है देखिए, और ये छोटा छोटा तकिया अच्छा लगता है मेरे को भी। और आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।